नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिटेल में इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर आप CTET 2025 की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको कैसे अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो पहली बार CTET दे रहे हैं, आज तक कभी CTET दिया नहीं है और उनको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और आपको एक तरीके से गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप चीजें शुरू कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि CTET 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे चीजें शुरू करनी है। तो देखिये, किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कोई नया मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप डायरेक्ट जाके एक बार में मोबाइल खरीदते नहीं है। आप पहले समझते हैं कि इस मोबाइल के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी पॉजिटिव चीजें हैं, क्या इसकी नेगेटिव चीजें हैं, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से आप चीजें देखते हैं, फिर आपको एक अच्छा सा मोबाइल खरीदते हैं। इन द सेम वे अगर मैं CTET की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले CTET के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये CTET क्या है, क्यों कराया जाता है, आखिर ये क्यों जरूरी है, क्यों लाया गया है ना, इस समय पता होना चाहिए। CTET की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुझसे ऐसी क्या चीजें हैं मुझमें, मतलब मुझे ऐसी क्या चीजें अपने अंदर डेवलप करनी है जो CTET की एक तरीके से रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए, तभी हम CTET के बारे में तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, CTET को कैसे समझेंगे कि CTET क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहला होता है सिलेबस, और आपको भी यही करना है कि अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस इसका काफी लंबा होता है, लगभग मतलब लंबा तो क्या, 3-4 पेज का इसका सिलेबस होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको सारी चीजें बता रखी होंगी एक एक करके कि भाई ये चीजें हम आपसे पूछेंगे। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस एक तरीके से ये रास्ता होता है आपको बताने के लिए कि आपको यही इसी रास्ते पर चलना है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो वहां पे जाने के कई रास्ते होते हैं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कुछ रास्ते तो गुमराह कर देते हैं हमें। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सिलेबस एक तरीके का ऐसा सीधा रास्ता है जो आपको बताता है कि भाई इस रास्ते पर ही चलो, इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना। सिलेबस हमारे लिए वही काम करता है, एक तरीके से गाइडेंस होता है। यह हमें बताता है कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास भी सिलेबस रहता है, ठीक है। तो मैं हमेशा जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हूँ या करवाता हूँ तो मैं सिलेबस अपने पास रखता हूँ। तो जैसे मेरे हाथ में भी अभी CTET का सिलेबस है, ये 3 पेज का सिलेबस है, ठीक है। तो ऐसे ही आप सिलेबस अपने पास रखिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, ठीक है, प्रिंट आउट। कुछ लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं और फिर फोन में पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक जनरल सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप इसको मान सकते हैं तो अच्छी बात है। मेरा सजेशन ये है कि तैयारी करते समय आप अपने फोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, मिनिमम करेंगे, और वो भी कब करेंगे आप इस्तेमाल, जब किसी से बात करनी हो या आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना हो, कुछ कहीं कंफ्यूजन है, कुछ चीजें गूगल करनी है, तब करेंगे। फालतू की चैटिंग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि देखिए जब हमारे पास चीजें हाथ में होती है तो फोन की जरूरत हमें कम पड़ती है। फोन एक तरीके से हमारा डिस्ट्रेक्शन होता है जिसको कि हमें अवॉइड करना है इस दौरान। और ये आपको बात बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जब आप खुद इस चीज की तैयारी करेंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी मेरी बात। तो पहली चीज आप क्या करेंगे, सिलेबस अपने पास रखेंगे, और सिर्फ रखना नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से समझेंगे। हालांकि मैं अभी जब नया अभी सीरीज लॉन्च करूंगा CTET 2025 के लिए, तो उससे पहले मैं आपको डिटेल में सिलेबस ब्रेकअप करके समझाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे सिलेबस के साथ, सिलेबस आप अच्छे से पढ़ेंगे। सिलेबस पढ़ने के बाद जो दूसरी सबसे चीज होती है जो आपको एग्जैक्ट फोकस रखती है अपनी तैयारी पर, वो होती है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये भी कितने साल की, ओनली लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो 5 ईयर की आप जो लास्ट क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो पिछले 5 साल में लगभग 7-8 बार CTET हो चुका होगा, क्योंकि साल में 2 बार CTET होता है और बीच में कोविड की वजह से गैप भी आया होगा, तो 7-8 बार CTET हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, वो PYQ पढ़ेंगे।
अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि अभी तो हमने तैयारी भी शुरू नहीं की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के क्या होगा, क्योंकि हमें तो आंसर्स पता नहीं है उनके। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2 साल की टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आ रहे हैं तो आप बेसिक नॉलेज चीजों की रखते हैं, ठीक है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कुछ टीचिंग मेथड्स आप पढ़ के सीख कर तो आए होंगे बेसिक से, कुछ थ्योरीज आपको पता होंगी, डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ तो चीजें पता होंगी। तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि 10% नॉलेज तो आपको ऑलरेडी होगी, अगर आप अच्छे से आपने अपना 2 साल का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है तो आपको 10% नॉलेज तो बिल्कुल होगी सीटेट की। सीटेट में जो भी चीजें पूछी जाती है वो आपको 10% पहले से पता होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस टॉपिक से मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे, ये फोन में नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए मेरे को तो फोन वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि फोन में बहुत बड़ा डिस्ट्रेक्शन मानता हूँ। इसलिए ऐसे बच्चे हो सकते हैं आप में से बहुत सारे ऐसे जो फोन और लैपटॉप से अच्छा पढ़ लेते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि उनके से उनमें फिर एक क्वालिटी और होगी कि वो खुद को अच्छे से डिसिप्लिन रखते होंगे। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपको पता है कि फोन मुझे कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं, अपने सही विवेक का इस्तेमाल करके ही फोन का इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज आप इसका प्रिंट आउट निकालिए और पिछले 5 साल की PYQs जो है वो आप सॉल्व करेंगे, चाहे आपको उसके आंसर्स आते हो चाहे नहीं आते हो, आपको वो PYQ सॉल्व करनी है, ठीक है। PYQ से आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये दो चीजें जब आपकी हो जाएंगी ना तैयार, तो आपके दिमाग में ये बात हो आपके दिमाग में ये चीजें हो जाएंगी कि सीटेट में मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये दोनों सवालों का जवाब कौन दे देगा आपको, ये सिलेबस और PYQ। किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं है बताने के लिए कि बेटा ये पढ़ो ये मत पढ़ो, सिर्फ सिलेबस और PYQ ही ऑथेंटिक सोर्स हैं जो आपको बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसके अलावा और किसी पर विश्वास मत करिए, कोई आपको कहे कि ये टॉपिक पढ़ लो वो टॉपिक पढ़ लो, नहीं, आपको सिलेबस और PYQ देखना है और जो चीजें पूछी गई हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है। जब आपकी ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एक बात का ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखना है, लिमिटेड। आज के समय ऑनलाइन का जमाना है, आपको पूरा मतलब समुंदर दिख जाता है सीटेट की जब हम बात करते हैं कि भाई क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो समुंदर है पूरा सीटेट के लिए भी, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है, वो सब टाइम वेस्टिंग चीजें हैं। आपको अपने रिसोर्सेज शॉर्ट लिस्ट करने हैं और वो भी लिमिटेड रखने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बुक लिस्ट अपनी एक बना लीजिए। बुक लिस्ट कैसे बनाएंगे, एक तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉमन बुक लिस्ट बनाते हैं, कॉमन बुक लिस्ट नहीं सॉरी कॉमन बुक लिस्ट नहीं कॉमन बुक ले लेते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कॉमन बुक ले लेते हैं। कॉमन बुक का मतलब देखिए, मार्केट में ना आपको ऐसी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जिसमें सीटेट के नाम से किताब होगी और उसमें सारे सेक्शन एक ही बुक में आपको दे दिए जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें सबके बारे में होती है, तो आपको वो किताब बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। वो किताब मैं तो देखिए बेकार मानता हूं, मैं खुद उस चीज से पढ़ चुका हूं तो मेरे को वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे किताब सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी कैसे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई आपको किस सब्जेक्ट में चीजों की किस चीज की जरूरत है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें तय करनी है कि मुझे अगर CDP की तैयारी करनी है तो मैं किस किताब से करूंगा, या मुझे अगर EVS पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़नी है तो किससे पढ़नी है, लैंग्वेज में जैसे ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं तो किस बुक से पढ़ना है। तो मुझे अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। तो बुक को लेकर क्या पहले शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और कोशिश करिए कि अगर एक ही किताब हो तो बेहतर है, नहीं तो 1 से 2 किताब इससे ज्यादा मत रखिएगा, यानी कि अगर आप फिर भी देखें तो 5 किताबें हो गई हैं। अब सब्जेक्ट वाइज आपने किताबें शॉर्टलिस्ट कर ली, ठीक है। किताबें आपकी शॉर्टलिस्ट होने के बाद अब देखिए, आप किताबों में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको सिलेबस का पता चल चुका है, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो उस किताब में से भी आपको टॉपिक शॉर्ट करने हैं कि भाई ये टॉपिक ही पढ़ना है मुझे। अब मान के लिए कोई किसी ने किसी की बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पे सारी चीजें नहीं पढ़नी जो आपको सिलेबस में दे रखा है, सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे, एक तो बुक लिस्ट अपनी तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स यूज करते हैं तो 1-2 वेबसाइट से ज्यादा विजिट मत किया करिए डेली, चाहे वो आप किसी भी पर्पज के लिए करते हो, कोई आप
आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं वो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब पे भी अपने एक दो चैनल जो भी आपको लगता है ऑथेंटिक विश्वसनीय, जिस पे आपको विश्वास हो, जहां आपको लगता है कि हाँ चीजें अच्छी होती हैं, आप उन एक दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खामखा की चीजें आप मत करिए, ठीक है। तो आपको चीजें लिमिटेड रखनी है, जितनी ज्यादा हो सके चीजें लिमिटेड रखनी है, एक भंडार नहीं बनाना है। क्योंकि ये दिक्कतें करती हैं कब, जब आप रिवीजन करते हैं। रिवीजन करते समय आपके पास इतना सारा कुछ होता है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। रिवीजन पे भी मैं आऊंगा कि रिवीजन कैसे करना होता है, क्या चीजें करनी होती हैं। तो रिसोर्सेज जब आपके तैयार हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप मेन जो है टाइम टेबल बनाएंगे अपना, टाइम टेबल। अब क्योंकि आपको सिलेबस पता है, आपको पता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपके पास रिसोर्सेज भी हो गए लिमिटेड, अब आपको पता है कि मुझे इतनी सारी चीजें खत्म करनी है अगले 3 से 4 महीने में, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड भी आपके पास पता होता है, क्योंकि जनरली जब सीटेट पर नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ एग्जाम डेट आ जाती है। तो 3 से 4 महीने अगर मान के चलिए, 4 महीने नॉर्मली आप मान के चलिए, आपके पास 4 महीने तो कम से कम होंगे। अब आपको अपना टाइम टेबल बनाना है इस 4 महीने के हिसाब से, आपको किस हिसाब से ब्रेकअप करना है। आपको अपने जो लास्ट के 2 वीक्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन, इन दो चीजों के लिए रखना है। इसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, चाहे आपको कोई कितना भी कहे कि ये पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। लास्ट के 2 वीक्स सिर्फ मॉक टेस्ट होगा और रिवीजन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके पास 4 महीने हैं तो उसमें से 2 हफ्ते तो आप हटा दीजिए, अब आपके पास बचते हैं 3.5 महीने। अब इस 3.5 महीने में आपको अपने हिसाब अपना ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि जो भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज आपने फिक्स किए थे वो सारी चीजें उस 3.5 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें मैं कहूंगा कि कम से कम आप अपना जो पढ़ाई का के जो घंटे हैं वो 5 से 6 घंटे आप जरूर पढ़ें, ठीक है। ये आपके लिए अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई 7 घंटे भी पढ़ता है, कोई 8 भी पढ़ता है, कोई 3 भी पढ़ता है, कोई 4 भी पढ़ता है, लेकिन 5 से 6 घंटे पढ़ना मैं कहूंगा एक आइडियल टाइम पीरियड है। अगर आप इतना आप रेगुलर कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ रहे हैं तो ये सिलेबस इजिली कवर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे आप अपने लिए निकालेंगे, आप अपने हिसाब से चीजें करेंगे। टाइम टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम करना है, क्योंकि हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसमें वो जब तैयारी कर रहा होगा तो उसको ये जरूर रियलाइज होगा कि मेरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है और ये सब्जेक्ट मेरा काफी वीक है। तो टाइम टेबल बनाते समय जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, उसको ज्यादा समय देना है। जो सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक है उसको भी समय देना है, लेकिन उस पर फोकस कम रखेंगे शुरुआत में, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और, आपका टाइम टेबल वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। वीकली टाइम टेबल सबसे अच्छा माना जाता है। आप क्या करिए कि आपका जो भी आपको पढ़ना है वो आप डेली बेसिस पे ना वीकली बेसिस पे टारगेट बनाइए कि इस वीक में मैं इतनी चीजें कवर करूंगा या करूंगी, और फिर उसको 5 से 6 घंटे के हिसाब से देखिए कि 5-6 घंटे में कितनी चीजें कवर हो सकती है एक हफ्ते में। तो उस हिसाब से आप अपना एक एक हफ्ते का टारगेट बनाइए, पहली बात आप समझिए। एक एक हफ्ते का टारगेट मैं सजेस्ट करूंगा। वीकली मुझे टाइम टेबल अच्छा लगता है, मंथली में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मंथली जो होता है काफी लंबा समय हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको मंथली अच्छा लगता है तो आप मंथली भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीकली आप टाइम टेबल बनाएं या मंथली बनाएं आपके ऊपर है, मेरा सजेशन आपको रहेगा कि वीकली टाइम टेबल बनाएं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, और ऐसा होना चाहिए कि आप उस जो आप डेली टारगेट बनाते हैं उसको आप कवर कर सकें। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज सोचा कि मैं ये टॉपिक कवर करूंगा और मैंने कहा चलो ठीक है यार नहीं हो रहा, बाद में करते हैं, कल देखते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मूड ऑफ हो गया, ये वो, ये सब चीजें नहीं करनी। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं होता, फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है टाइम टेबल की, अगर आपके साथ किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है। क्योंकि देखिए हम सब क्या है, हम सब एक तरीके से सोशल है, हमें सिर्फ हम अकेले थोड़ी, अगर हम तैयारी कर रहे तो उसका मतलब थोड़ी हम अपना घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, दोस्तों से रिश्ते नाते खत्म कर ले, वो सब चीज नहीं करनी होती है। हमें अपना परिवार भी देखना होता है, दोस्त यार भी देखने होते हैं, तो ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो फ्लेक्सिबल जरूर रखिएगा। फ्लेक्सिबल कैसे, कि मान के चले घर में कोई जरूरी काम है, कुछ इमरजेंसी हो गई, दोस्तों के साथ कोई इमरजेंसी होगी, तो हो सकता है आपको उनके लिए समय निकालना पड़ेगा। अब टाइम टेबल इतना रिजिड मत कर लीजिए कि नहीं नहीं मेरे को तो भाई आज ये टॉपिक खत्म करना है, उसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी बाकी लोग हैं, ठीक है, इंसान जो होता है दूसरा इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पढ़ाई
भी है जरूरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो व्यक्ति किसी जरूरत में है और आपको याद करना वो ज्यादा जरूरी है। तो अपना आपको अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। और जब आप वीकली चीजें तैयार करेंगे तो टाइम टेबल आपको ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप हर हफ्ते क्योंकि अपने टाइम टेबल को रिवाइज करेंगे और आप देखेंगे कि हाँ मेरा टाइम टेबल कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस, PYQ, रिसोर्सेस, टाइम टेबल। ये सारा कुछ होने के बाद जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी तैयारी, ठीक है। कि अब आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है, अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, स्टडी। अब आपको अपना मेन जो है तैयारी शुरू कर देना है, स्टडी। स्टडी करते समय भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बार बार आप हमेशा PYQs को अपने साथ रखिएगा, सिलेबस को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू में पढ़ चुके हैं लेकिन बीच में नहीं पढ़ रहे तो फिर भी चांसेस होते हैं कि आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तो तैयारी करते समय ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो रिसोर्सेज आपने लिमिटेड कर रखे हैं वही करेंगे। इसके अलावा अगर आप संभव हो सके तो नोट्स जरूर बनाइए। कोई आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा है ना, कोई मान के चलिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ हो गया, ठीक है, उनके नोट्स भी अच्छे होते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लेकिन आपके जो हैंड रिटन खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, उससे क्या होता है कि जब आप चीजें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आप अपना दिमाग और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद से चीजें कर रहे हैं ना तो आपके दिमाग में और भी सवाल आते हैं। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपको चीजें अच्छे से याद होती हैं। कुछ लोग एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि लिख लिख के पढ़ना। आई होप आपने आपने भी बहुत बार चीजें की होंगी कि लिख के याद करना है ना, एक तरीका होता है पढ़ने का। तो नोट्स बनाते समय हो सके तो आप नोट्स खुद से बनाइए। अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए कि नोट्स आपको बेचने नहीं है। ऐसे नोट्स मत बनाइए जो भाई किसी और को समझ आए। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ में आए, ठीक है। बहुत शॉर्ट हैंड यूज करिए, बहुत ऐसे नोट्स बनाइए कि भाई आप ही को समझ में आए और किसी को समझ में नहीं। तो नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। नोट्स ये कब काम आएंगे, ये काम आएंगे रिविजन में, ठीक है। तो स्टडी करते समय नोट्स बनाएंगे, समय समय पर रिविजन भी करेंगे आप, रिवीजन भी करते रहेंगे। और इस दौरान हो सके तो बीच बीच में कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी आप लगा सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर साथ के साथ लगाते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा जब ये सारी चीजें आप करेंगे और आपको लगेगा कि भाई मेरी तैयारी लगभग लगभग हो रही है और समय जैसे जैसे पास आता जाएगा एग्जाम का, तो जैसा कि मैंने यहां आपको बताया था कि आप लास्ट के 2 वीक्स किसके लिए रखेंगे, मॉक टेस्ट और रिविजन के रखेंगे। मॉक टेस्ट को लेकर मैं एक बात और आपको बताऊंगा। देखिए मॉक टेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो मॉक टेस्ट आप कहां से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, बहुत मैटर करता है। बहुत सारे आपको कोचिंग वाले मिल जाएंगे जो अपने मॉक टेस्ट आपको दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, और आपको भी इसी चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन अगर आप देखें, PYQ आप देख चुके होंगे, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी कि सीटेट किस तरीके के सवाल पूछता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। और जब भी कोई मॉक टेस्ट आप लें तो उससे पहले ये जरूर देख लें कि हाँ जो सीटेट जिस प्रकार के सवाल पूछती है क्या वो मॉक टेस्ट उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक 19 बार सीटेट हो चुका है। तो क्योंकि अगर 7-8 अगर आप PYQs भी लगा लेंगे तब भी आपके पास 11-12 सीटेट, जो ऑफिशियल पेपर इनका सीटेट का हुआ है, वो आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो आप क्या करें कि आप इसी को एज अ मॉक टेस्ट यूज करें। किसी कोचिंग का आपको लेना है, आपका डिसीजन है। मैं आपको अपना सजेशन दे रहा हूं कि आप सीटेट के जो ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, जो एग्जाम हुए हैं, उन्हीं को एज अ मॉक टेस्ट यूज करें। मॉक टेस्ट ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हर फोर्टनाइट पे, फोर्टनाइट का मतलब होता है हर 15 दिन पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। यानी कि अगर आप हर एक 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट देंगे तो, क्योंकि मैंने आपको आपके पास कितने हैं 3.5 महीने है ना, तो 3.5 महीने का मतलब आपके 7 से 8 मॉक टेस्ट जो हैं वो उसी में चले जाएंगे, जो आप हर फोर्टनाइट पे देंगे, हर 15 दिन पे जो मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद जब लास्ट में 2 हफ्ते बचेंगे तब आपको वीकली देना है, वीकली मॉक टेस्ट। तो वीकली मॉक टेस्ट भी जब आप देंगे तो 2 से 3 मॉक टेस्ट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। या बचे हुए जितने भी मॉक टेस्ट है वो खत्म कर दीजिएगा, चाहे वो वीकली हो चाहे वो हर 2 से 3 दिन हो, ठीक है। वो आपको ज्यादा बचा के कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट के भी कुछ अपने तरीके होते हैं जो मैं कभी किसी डिटेल में बात करूंगा आपसे, फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट आप देंगे तो स्टार्टिंग में फोर्टनाइट हर 15 दिन पे देंगे, उसके बाद आप वीकली देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट हो जाएगा तो लास्ट में आपको जो 15 दिन आपके बचेंगे ना, जो 2 हफ्ते मैंने आपको कहे हैं,
उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना आपको। चाहे कोई कितना भी आपको समझाए कि बेटा ये पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आएगा, तो आपको जो भी पढ़ना है वो पहले से तय करेंगे आप। लास्ट मोमेंट पे 2 हफ्ते में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये देखिए ये बेसिक नेचर हम सबके साथ होता है। मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मुझे भी चीजें पता है। हमें ऐसा मन में डर रहता है कि यार ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी ने मुझे कहा है इसको पढ़ लो, सब कह रहे हैं पढ़ लो। ये आपका डिसीजन है, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, मैं इसके लिए आपको रोकूंगा थोड़ी। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हूँ, मुझे पता है। आपको जो कुछ भी पढ़ना है आप 2 हफ्ते पहले पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना है नया। 2 हफ्ते बाद आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको सिर्फ रिविजन करना है। रिविजन आपका कम से कम इन 2 हफ्तों में 3 से 4 बार हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे कि यार मैंने 3.5 महीने लगा दिए इतना कुछ पढ़ने के लिए, और सर आप कह रहे हो कि ये सारा 3.5 महीने की जो मेहनत है वो मैं इन 2 हफ्तों में पढ़ूं, वो भी 3 से 4 बार पढ़ूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जब आप नोट्स बना रहे होंगे अपने। ये नोट्स इसीलिए काम आते हैं रिविजन के लिए। और रिविजन आप मेरी बात लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ 100%। जो बच्चा रिविजन नहीं करता है वो एग्जाम में उसके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 50% घट जाती है, क्योंकि रिवीजन ऐसी चीज है जो आपको चीजें अच्छे से दिमाग में फिट कर देती हैं, आपके आपके दिमाग में बातें बैठ जाती हैं, है ना। अगर आप इस चीज को बार 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 कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में कॉन्शियस माइंड में आपके आ जाता है, वरना अगर आप एक ही बार इतनी चीजें पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में डाटा आएगा, लेकिन क्या है, सब सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है आपके, आपको भी नहीं पता आपने क्या क्या पढ़ा है। इसलिए रिविजन मस्ट है, 3 से 4 बार आप रिवाइज करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे ना, तो आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कैसे आपको स्टार्ट करना है आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं सीटेट को लेकर, तो वो भी मुझे बता दीजिए। हालांकि मैं इन सभी एस्पेक्ट पे ना डिटेल में बात करूंगा, ये तो मैंने आपको जल्दबाजी में सारी चीज समझा दी कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन हर एक चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं सेपरेटली हर एक पे वीडियो बनाऊंगा कि आपको सिलेबस पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, PYQ सॉल्व करने तो कैसे करने हैं, मॉक टेस्ट कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और हो सके आपको ठीक लगे आप फॉलो करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने किसी दोस्त को भी बता सकते हैं कि देखो सर, देख बेटा ये, या भाई देख ऐसे कर ले, ये हो सकता है तेरे लिए यूजफुल हो, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें इस हिसाब से करनी है, और उम्मीद है कि अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर होगा, ठीक है? 100% क्लियर होगा। देखिए पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, पढ़ाई सब कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने का तरीका होता है, और वो पढ़ने का तरीका सब बच्चों को नहीं पता होता। तो यहां पर चीजें मैंने आपको सोचा कि क्यों ना यूट्यूब का इस्तेमाल करके आपको चीजें समझाएं, और उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट आसानी से क्लियर होगा। चलिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और हाँ फिर से एक बात, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।